ने पानी से काम चला लेंगे, कमांडो हैं चारों। याद आ रही है तेरी? या मिल गया? घर वाले बोल रहे कमारा नहीं आ रहा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज दोनों भाई हम और अपने भाइयों को लेके निकल गए बद्रीनाथ को ट्रिप, और अभी हम पहुंचे अल्मोड़ा से, ऊपर आ गए हैं अल्मोड़ा से। आगे भाई द्वारा पहुंचने वाले। और कितना टाइम लग जाएगा भाई पहुंचने में, बता दो जरा जनता पार्टी भाई। 10 घंटे लगेंगे, अभी तो बहुत दूर है। अरे यार, चलिए गाइस बने रहिए हमारे साथ। और भाई को हुआ है जुखाम। अरे मेरा गला खराब चल रहा है यार, बहुत तकलीफ में, मेरी आवाज से लग रहा होगा। ये देखिए, आपको एक दिखाता हूँ प्राणी। तुमने तो सौरभ जोशी, दो सौरभ जोशी तो हमें लाए अल्वानी से, तुमने भी पहुंचने देना है मुझे लग रहा है। परसों तक भी रानी खेत ले लोगे तो ना लोगे? रानी खेत से ही वापस आ जाएंगे। रानी खेत से ही वापस। हेलो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब। लदो लदो लदो। कभी नैनीताल कभी गुहा, जेब में पड़े 50-60 हजार रुपए। जो वैसी हो कि मुरादाबाद में निहारी शाम को रामनगर बुला के नीचे 2 लाख का चेक पेंडिंग। तो दोस्तों, अभी हम रुके हैं यहाँ पे खाना खाने, रास्ता पता नहीं है कहाँ पे एग्जैक्ट रुके हैं। कहाँ पे रुके हैं भाई? अरे ये वो जगह है यार, पता है कितना, ये कम से कम भाई लोगो यहाँ से 80 किलोमीटर कर्ण प्रयाग होगा। कर्ण प्रयाग भी जाना है? हाँ, फिर उसके आगे जोशी भट्ट मान लो, फिर रास्ता आएगा, एक राइट को जाएगा केदारनाथ को, एक लेफ्ट को जाएगा बद्रीनाथ को। तो अभी जा रहे हैं भाई, खाना वाना खाते हैं बढ़िया। यसु भाई, खाना दिखाते हैं भाई लोगों को। खाना बना नहीं है अभी। हाँ जी, नहीं लगा के अभी तक। थाली आ रही है चारों की। एक ब्लेंडर राइट का हाफ। लगा ले। बिल्कुल मैगी, तो यार पहाड़ों में आया तो मैं आया तो मैगी तो खाएंगे ही ना भाई। छे यार, मैगी तो आई नहीं भाई, सैड हो गया भाई। चलो अंकल जी काफी अच्छे हैं भाई, कभी यहाँ पर हो तो इसी ढाबे में आना। अंकल जी बहुत अच्छे हैं, कभी ढाबे में आओ तो इसी जगह पे आना यार। अंकल जी नाम क्या हुआ आपके ढाबे का? ये ढाबे का नाम है जय श्री भैरवगढ़ी ढाबा। जय श्री भैरवगढ़ी ढाबा। चौकटिया से 6 किलोमीटर आगे आके बाएं हाथ पे। जी तो गाइस, हमारा खाना वाना हो गया और हम पेमेंट करके चल दिए आगे को। पहाड़ी ड्राइवर, हाँ जी सर, चले चलो। तुम तो रेडी बैठे हो यार, बेल्ट वेल्ट पहन के पूरी, तो बगल वाली सीट में बेल्ट तो लगा दो कम से कम। अभी लगा रहा हूँ, आओ जल्दी आओ जल्दी, 10 रुपए सवार। चलो जी आगे बढ़े कर्णप्रयाग। अबे यार, अब नींद आनी शुरू हो गई यार, कब पहुंचेंगे निखिल भाई? भाई सब 4 बज गया है यार, रास्ता ही खत्म ना हो रहा। उसकी एक लाइन है ना, तू गिर गई निगाहों में। रिलेट कर रहा होगा सारी चीजें, झेर पीन नू काड़े पे गोल ही नहीं बस। अरे ओ जले दा दिल टूटिया होया बोल दे ही नहीं बस। जोशी भाई सुनते थे जब ब्रेकअप हुआ था, मेरा दिल तोड़ने से पहले ये सोच लेना बारी आपकी भी आएगी। जब उसका चश्मा ने कमेंट्स मुझे भेज रखा था, भावे फट गई ले रे सुन के। याद आ रही है तेरी? देहरादून चलते हैं। क्या चल रहा है भाई? अरे पीछे का भी तो पीछे का भी देखना चाहिए। पानी है नहीं भाई, वेस्ट क्यों कर रहा है? इतने पानी से काम चला लेंगे, कमांडो हैं चारों। याद आ रही है तेरी? जा मिल गया। सारे गांव वाले निकल के आ रहे हैं, कौन आ गया? पहुंचेंगे कब? कब पहुंचाओगे? पहुंचेंगे 8 बजे से बैठा रखा है नींदताल से, खत्म ही नहीं हो रहा रास्ता। तो ग्रहण के लिए थोड़ा सा फोटो शूट के लिए अपना अरिगातो गोसाई मासू सकल धोरे
सारे मिल गए हमारे भाई जान, मिल के बैठो भाई को लिरिक्स बहुत ही हिट कर गई है दोस्तों। तो गाइस हम पहुंच गए कर्णप्रयाग, सॉरी यार दिखा ना पाए आपको, क्या कहते हैं उसे, संगम, नदी का संगम, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। क्या बता, आते समय हम थोड़ा रुक जाएं कर्णप्रयाग में और आपको दिखा दें। फिलहाल तो आगे बढ़ गए बद्रीनाथ को। तो हनीपा जी क्या लगता है कितनी बजे तक पहुंच जाएंगे हम जोशी मठ? 8 बजे तक जोशी मठ। तो आज बद्रीनाथ पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे बताओ? नॉट पॉसिबल ब्रो, इट इज नॉट पॉसिबल। यार हनी बाजी के हिसाब से तो आज नहीं पहुंच पाएंगे, देखिए बाकी भाई की ड्राइविंग स्किल्स। ओए हाय हाय हाय। तो दोस्तों फोटो शूट चल रहा है दोनों का। तो अगर तू सौरभ जोशी जैसा हिट हो गया गाड़ी कौन सी लेगा मुझे बता देगा। राहुल भाई कितना बढ़िया लग रहा है, देखो यार ये है ना बाहर हो रहा क्या हल्द्वानी में नहीं है वाले यार। तो साइड पॉइंट से कभी ये ये नजारा वहां से भी आता है। तुम जैसे मार के 14 साल जाना मंजूर है। तो जी हम पहुंच चुके हैं अभी जोशी मठ, ये लोग गए रूम देखने, तो मैं भी जा रहा हूँ अभी रूम देखने कैसा है और क्या कुछ। 1200 रुपए में 4 जनों का हो रहा है, सही है। हमें कल जाना है बद्रीनाथ, 40-50 किलोमीटर है जोशी मठ से, तो रूम देखते हैं पहले। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी रूम देखने जोशी मठ में, आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे यार क्योंकि 9 बज गया है। और देखो भाई हमने तो रूम देख लिया, इन दोनों को पसंद आता है तो डन करते हैं बात को। ये क्या क्या रखा है, ये 4 बेड। जा रहे हैं हम दोनों, जा रहे हैं। अरे ले आएंगे सामान, सामान ले आएंगे। 2 घंटा बोल रहे हैं भैया, बर्फ पड़ी भैया उधर, बर्फ पर सोते पड़ी थी, अब थोड़ी मौसम गर्म हो गया ना। तो जी हम पहुंच चुके हैं अभी अपने रूम पे, अब खाना वाना खा के सोई गई क्यों सोई गई फिर यार। और कल निकलेंगे पहले माणा को सुबह, माणा माणा गांव द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, और उसके बाद जाएंगे शाम को बद्रीनाथ, उसके बाद ओली ओली भी जा सकता है, जाने को तो कहाँ नहीं जा सकते। और उसके बाद हम सीधे दोस्तों जा रहे हैं लद्दाख, और लद्दाख के बाद दिल्ली कश्मीर में हमारी ये अगली रात होगी परसों की। तो मिलते जी नेक्स्ट व्लॉग में, बड़े खुश है उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद हम जा रहे हैं गोवा गोवा गोवा। तो ठीक है जी, मिलता है कल को, चल देन बाय।